सो डियर स्टूडेंट, आई एम प्रशस्त जैन, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स, सीएलसी सीकर। तो आईआईटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में अब हम अपने मैथमेटिक्स में थर्ड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 2016 से 2019 तक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में हम एक सर्किल का क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। इस सर्किल का एक डायमीटर है आर एस, जहाँ पर एस 1.0 पॉइंट है, पी इसी सर्किल पर एक वेरिएबल पॉइंट है। साथ में ये कहा गया है कि अगर पॉइंट एस और पॉइंट पी पर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो पॉइंट क्यू पर मिलेगी। पी पॉइंट पर खींची गई नॉर्मल और क्यू पॉइंट पर खींची गई ऐसी लाइन जो कि आर एस के पैरेलल है, वो पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तब हम लोगों को पॉइंट ई का लोकस फाइंड आउट करना है और ये देखना है कि उस कर्व पर, यानी कि पॉइंट ई के लोकस पर, ऑप्शंस में दिए हुए कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इस प्रकार से हमारे पास एक सर्किल हो गया। एस 1.0 है तो ये पॉइंट है, आर एस चूंकि डायमीटर है तो आर निश्चित रूप से ये वाला पॉइंट हमारे पास में है। साथ में पी इस पर एक पॉइंट है जो कि आर और एस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कहीं हम लोग पॉइंट पी ले लेते हैं। एस पर खींची गई टेंजेंट, तो एस पर खींची गई टेंजेंट हमें पता है कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसकी इक्वेशन है एक्स इक्वल टू वन। पी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। नाउ ये दोनों स्ट्रेट लाइंस क्यू पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्यू हो जाता है। पी पॉइंट पे खींची गई नॉर्मल, हम जानते हैं कि सर्किल में किसी भी पॉइंट पर खींची गई नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास होगी, तो पी पॉइंट पे खींची गई नॉर्मल हमारे पास में इस तरह से बनाई जा सकती है। क्यू पॉइंट पर खींची गई ऐसी लाइन जो कि आर एस के पैरेलल है, तो क्यू पॉइंट से खींची गई ये लाइन जो कि आर एस के पैरेलल है वो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। नाउ ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है पॉइंट ई पर, जैसा हमें कहा गया है कि ई पॉइंट के लोकस को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग, चूंकि इस सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, हम पी पॉइंट को कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा मान लेते हैं। पी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू वन। एस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन है x इक्वल टू वन। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पॉइंट q मिलेगा। तो देखिए, पॉइंट q का x कोऑर्डिनेट तो 1 हो जाता है। x को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलती है हमें 1 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये हमारे पास q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अगर हम लोग QE लाइन की इक्वेशन खींचें तो चूंकि QE लाइन RS यानी x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 1 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके 1 cos थीटा को हम 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इस तरह से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 10 थीटा बाई 2। ये QE लाइन की इक्वेशन हुई। अगर हम OP लाइन की इक्वेशन की बात करें तो OP लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 10 थीटा इंटू एक्स। तो देखिए, ये हमारे पास में QE की इक्वेशन है और ये हमारे पास में OP की इक्वेशन है। अगर थर्ड और फोर्थ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो वो पॉइंट P होगा। तो बाय इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ हम इन्हें दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, Y की वैल्यू तो हमें 10 थीटा बाई 2 मिल ही रही है। हम Y की वैल्यू को, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। Y को हम लिख देते हैं 10 थीटा बाई 2 इक्वेशन नंबर थर्ड से इक्वेशन नंबर फोर्थ में, और 10 थीटा को लिख सकते हैं, देखिए, 2 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू एक्स। 10 थीटा बाई 2 और 10 थीटा बाई 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाता है 1 स्क्वायर थीटा बाई 2। 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 2x, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 2s। तो ये हमारे पास पॉइंट ई का लोकस
हमें मिल जाता है इस तरह से। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इस इक्वेशन को ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/3, 1/√3 और ऑप्शन नंबर सी यानी 1/3, -1/√3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर टू में हमें एक सर्किल C1 की इक्वेशन दे रखी है जो कि है x²+y² = 3, जिसका सेंटर O है। ये एक पैराबोला x²=2y को P पॉइंट पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करता है। C1 कर्व पर हम लोगों ने P पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची है जो कि सर्किल C2 और C3 को R2 और R3 पॉइंट्स पर रेस्पेक्टिवली टच करती है। इन दोनों सर्किल्स की जो सेंटर रेडियस हैं वो 2√3 हैं और सेंटर्स को C2 और C3 नाम दिया गया है। Q2 और Q3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं। Q2 और Q3 x-एक्सिस पर है ऐसा भी हमें कहा, y-एक्सिस पर है ऐसा भी हमें कहा गया है। तो अलग अलग कई ऑप्शन हम लोगों को चेक करना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि C1 की इक्वेशन है x²+y² = 3 और पैराबोला की इक्वेशन है हम लोगों के पास में x²=2y। अगर हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो देखिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके x² की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं, दैट इज y²+2y - 3=0। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी एक तो 1 और एक -3। चूंकि p फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो p को हम y को हम लोग -3 नहीं ले सकते। y को इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर x² की वैल्यू 2 आती है, सॉल्व करने पर x की दो वैल्यू √2 और -√2 मिलेगी। सिंस अगेन पॉइंट p इज फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम x = -√2 को रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिलती है √2, दैट इज हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं √2, 1। अब देखिए ये हमारे पास में इस प्रकार से, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P है जो कि √2, 1 है। इस पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट खींची है, हम इस टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। C1 कर्व पर P पॉइंट पर हमें टेंजेंट निकालनी है, वो इक्वेशन हो जाएगी √2x + y = 3। ये इस सर्किल के P पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है। नाउ हमें ये कहा गया है कि ये टेंजेंट दो सर्किल्स जिनके सेंटर्स y एक्सिस पर है उन्हें टच करती है। तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन है। हम ये मान लेते हैं कि जिन सर्किल्स की बात हो रही है जिनको C2 और C3 नाम दिया गया है, चूंकि उनका सेंटर y एक्सिस पर है तो हम उनके सेंटर को सपोज कर लेते हैं 0, λ। लेमडा की दो वैल्यू आ जाएंगी जिससे कि हमें दोनों सर्किल्स अलग अलग मिल जाएंगे। अगर एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0, λ है और वो इस स्ट्रेट लाइन को टच करता है तो हम कह सकते हैं कि सर्किल के सेंटर से यानी 0, λ से इस स्ट्रेट लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के बराबर होगी जो कि 2√3 हमें दी गई है। तो 0, λ से हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो 0+λ - 3/2+1, दैट इज 3। नाउ दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, दैट इज 2√3। यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो λ - 3 = यहाँ पर हमारे पास में √3 आएगा, तो λ - 3 = ±6, दैट इज लेमडा की हमें दो वैल्यू मिलती है, एक 9 और एक -3। इसका मतलब ये हुआ कि जिन सर्किल्स की हम लोग बात कर रहे हैं एक सर्किल का सेंटर है 0, 9 और एक सर्किल का सेंटर है हम लोगों के पास 0, -3। दोनों की रेडियस हमारे पास 2√3 है। अगर हम उसे फ्रेश यहाँ पर एक बार फिर से बनाएं तो देखिए एक सर्किल तो है हमारे पास में 0, 9 और एक सर्किल है हम लोगों के पास में इस प्रकार से जिसका सेंटर है हम लोगों के पास में 0, -3। ये हमारे पास C2, ये हमारे पास C3। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को Q2 और Q3 नाम दिया गया है, तो ये हमारे पास में पॉइंट है Q2 और ये पॉइंट है हमारे पास में Q3। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को R2 और R3 नाम दिया गया है, तो ये पॉइंट हमारे पास R2 है और ये पॉइंट हमारे पास R3 है।
तो देखिए सबसे पहली बात, पहला ऑप्शन है Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस, तो वो क्लियरली यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि Q2 और Q3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 होगी, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया। R2 और R3 के बीच की डिस्टेंस भी हमसे पूछी गई है। देखिए ये दोनों सर्किल्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का काम कर रही है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं, C1 C2 होल स्क्वायर, यानी कि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 12 है, उसका स्क्वायर 144 माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, दोनों की रेडियस हमारे पास सेम थी 2√3, तो 2√3 प्लस 2√3 यानी 4√3 का स्क्वायर, तो 16 × 3 = 48 ये हमारे पास होता है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √96 हो जाता है, यानी कि 4√6। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि R2 और R3 के बीच की डिस्टेंस 4√6 है, ऐसा भी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर टू भी करेक्ट हो जाता है। तीसरे ऑप्शन में हमसे ट्राइंगल OR2R3 का एरिया पूछा गया। देखिए O हम लोगों के पास में इस प्रकार से है, तो OR2R3 का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2R3 को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम लोग 1/2 R2R3 इंटू पॉइंट O की R2R3 से डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ R2R3 की डिस्टेंस, R2R3 जो थी वो हमारे पास में ये स्ट्रेट लाइन है, तो पॉइंट O से यानी ओरिजन से इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो वो हमें मिलेगी 3/√3 एंड 1/2 R2R3 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4√6 इंटू रूट 3, तो ये हमें मिलता है देखिए 2 × √18, इसको हम लोग 6√2 भी बोल सकते हैं। तो ये एरिया जो है ट्राइंगल OR2R3 का वो 6√2 आता है, वो भी हमें इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ चौथे ऑप्शन में PQ2Q3 इस ट्राइंगल का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। देखिए P हम लोगों के पास में यहाँ पे कहीं था √2,1 और PQ2Q3 इस ट्राइंगल का एरिया हम लोगों से पूछा गया, ये Q2 ये Q3 और ये हमारे पास में पॉइंट है P, इस ट्राइंगल का एरिया हमसे पूछा गया है। देखिए इसमें हम लोग सिंपल है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ2Q3 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो 1/2 Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस है 12 इंटू पी पॉइंट की, इस लाइन से डिस्टेंस निकालने तो पी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी √2 के बराबर, तो ये एरिया हमारे पास आता है 6√2, जबकि ऑप्शन नंबर फोर्थ में ये कहा गया है कि ये 4√2 है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बी एंड सी। ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि y² = 4x पैराबोला पर एक पॉइंट P लिया गया है और एक और सर्किल की इक्वेशन हमें दी गई है x² + y² - 4x - 16y + 64 = 0। हमें कहा गया है कि P इस पैराबोला पर एक ऐसा पॉइंट है जो इस सर्किल के सेंटर से सबसे छोटी डिस्टेंस पर स्थित है। Q एक ऐसा पॉइंट है जो कि SP को इंटरनली डिवाइड करता है और ये सर्किल पर स्थित है। देखते हैं, देखिए सर्किल हम लोगों को जो दिया गया है उसका सेंटर है 2,8 और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस है 4 + 64 - 64 का स्क्वायर रूट, दैट इज 2। तो अगर हम इस सर्किल को बनाते हैं तो देखिए ये सर्किल हमारे पास में कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये इसका सेंटर है 2,8, रेडियस 2 है, पैराबोला y² = 4x कुछ इस प्रकार से बनेगा, s इस सर्किल का सेंटर है। अब देखिए हम ऐसा जानते हैं कि दो कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है और सर्किल के लिए नॉर्मल का मतलब है सेंटर से जाने वाली कॉर्ड, तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्किल और पैराबोला दोनों पर नॉर्मल है और ये पैराबोला को कट कर रही है P पॉइंट पर और सर्किल को कट कर रही है पॉइंट Q पर।
अब देखिए हमें P और Q दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो लेट अस से कि पॉइंट P टी स्क्वायर कॉमा टू टी इस तरह से है, तो P पॉइंट पर नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो हम सपोज कर सकते हैं y प्लस टी एक्स इक्वल टू टू ए टी प्लस ए टी क्यूब, परंतु ये लाइन पास होती है s 2.8 से, तो 2.8 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 8 प्लस टू टी इक्वल्स टू टू टी प्लस टी क्यूब, यहाँ से हमें t की इक्वेशन वैल्यू मिलती है 2, यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं 4.4। अब देखिए PS डिस्टेंस हम लोगों के पास में आ चुकी है, PS डिस्टेंस हो जाएगी 4 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज 2√5, और चूंकि SQ डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो ये हमारे पास में डिस्टेंस है 2, तो अगर हम लोग PQ डिस्टेंस निकालना चाहें तो PQ डिस्टेंस को PS यानी कि 2√5 माइनस QS यानी कि 2 बोला जा सकता है, तो हमारे पास इन तीनों लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस हमारे पास में आ चुकी है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस को, देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है कि SP डिस्टेंस 2√5 के बराबर है, तो SP डिस्टेंस 2√5 के बराबर है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में हमें SQ और QP डिस्टेंस का रेशियो पूछा गया है, तो देखिए अगर हम लोग SQ और SQP इस डिस्टेंस का रेशियो निकालना चाहें तो SQ डिस्टेंस हमारे पास 2 है और QP डिस्टेंस हमारे पास 2√5 माइनस 2 है। देखिए 2 को कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, 1/√5 माइनस 1, इसे कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में कहा गया है कि P पॉइंट पर खींची गई जो नॉर्मल है उसका x इंटरसेप्ट 6 है। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास P पॉइंट पे खींची गई नॉर्मल की इक्वेशन थी, T की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन हो जाती है, हम लोग T की वैल्यू को 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो ये है y प्लस 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 8, 2x प्लस y इक्वल्स टू 12। अगर इस नॉर्मल का x इंटरसेप्ट हम लोग फाइंड आउट करें तो x इंटरसेप्ट है 6, ऑप्शन नंबर सी यही कह रहा है तो वो ऑप्शन सही हो जाता है। साथ में हमें ये कहा गया है कि Q पॉइंट पर सर्किल की जो टेंजेंट खींची गई है उसका स्लोप 1/2 होगा, ये जो लाइन है जो Q पॉइंट पे टेंजेंट है इसका स्लोप 1/2 होगा। देखिए ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप हमारे पास में माइनस 2 है, तो ओबियस सी बात है कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप 1/2 होगा, और ऐसा ही हमें ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही होता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ये इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th एक पैराग्राफ है, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक इलिप्स की इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू 1, इसके फोकस F1 और F2 हैं, F2 को फोकस लेते हुए और ओरिजन को वर्टेक्स लेते हुए एक पैराबोला खींचा गया है जो कि इस इलिप्स को पॉइंट M और पॉइंट N पर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कट करता है। तो पहले हम लोग इतना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए इस इलिप्स के लिए सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी निकालें, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी आती है 1/3, तो इस इलिप्स के जो फोकस हैं वो हो जाते हैं हमारे पास में प्लस माइनस 1.0। इस इलिप्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए ये हमारे पास में कहीं फोकस है F2 एंड F1 विच आर 1.0 एंड माइनस 1.0। देखिए अब हम लोगों को कहा गया है कि एक पैराबोला खींचा गया है जिसका वर्टेक्स ओरिजन है और F2 का फोकस है, तो उस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो हमारे पास हो जाती है y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन नंबर 2। ये पैराबोला और ये इलिप्स एक दूसरे को पॉइंट M और N पर कट कर रहे हैं। इस पैराबोला को मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये पैराबोला हमारे पास में इस प्रकार से होगा, ये पॉइंट M और ये पॉइंट हमारे पास में N है। तो सबसे पहले हम M और N पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर बाई 9 प्लस 4x अपॉन 8 इक्वल टू 1 मिलता है,
तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर बाई नाइन प्लस एक्स बाई टू इक्वल्स टू वन, दैट इज एलसीएम लिया हम लोगों ने 18, तो ये हो जाता है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू वन, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18 इक्वल्स टू जीरो, तो देखिए हम लोगों ने फैक्टर करे इसके इक्वेशन के, तो जैसे हमने फैक्टर किए हमें x की दो वैल्यू मिलती है 3/2 एंड माइनस सिक्स, परंतु m और n पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट माइनस सिक्स नहीं हो सकता तो वो रिजेक्ट हो जाता है, तो m और n दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3/2 हुआ। 3/2 को जब हम लोग पैराबोला की इक्वेशन में रखते हैं तो y स्क्वायर हमें मिलेगा 4 × 3/2 दैट इज 6, तो y प्लस माइनस रूट 6, तो इनके y कोऑर्डिनेट भी हमें मिले, यानी कि हमें पॉइंट m पॉइंट n दोनों के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। अब देखिए इस पैराग्राफ में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे ट्रायंगल एफ वन एम एन का ऑर्थो सेंटर पूछा गया है। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल के कोई भी दो ऑल्टीट्यूड निकाल के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड तो हम लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है जो एफ वन से एम एन पे परपेंडिकुलर डाला गया है, अगर इसे मैं पॉइंट ए नाम दे दूं तो एक ऑल्टीट्यूड जिसको एफ वन ए नाम कहा जा सकता है उसकी इक्वेशन हमारे पास में हो जाती है वो एक्स एक्सिस ही है, तो उसकी इक्वेशन है हमारे पास में वाई इक्वल्स टू जीरो। दूसरे ऑल्टीट्यूड के लिए हम एम पॉइंट से एफ वन एन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। देखिए एफ वन एन का स्लोप है माइनस रूट सिक्स अपॉन 3/2 प्लस वन दैट इज 5/2, तो माइनस 2√6 अपॉन 5। तो अगर हम लोग एम पॉइंट से एफ एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसकी इक्वेशन होगी वाई माइनस रूट सिक्स इक्वल टू स्लोप उसका हो जाएगा 5/2√6 इंटू एक्स माइनस 3/2। तो एक हम लोगों के पास में ऑल्टीट्यूड था वाई इक्वल टू जीरो और एक ऑल्टीट्यूड हमारे पास ये है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए वाई इक्वल्स टू जीरो को अगर मैं यहाँ रखता हूँ इक्वेशन नंबर फोर्थ में तो ये हमें मिलता है माइनस 12/5 इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है 3/2 माइनस 12/5, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 9/10। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस 9/10, 0 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है वो हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसी पैसेज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि अगर हम पॉइंट एम और पॉइंट एन पर इलिप्स की टेंजेंट्स को ड्रॉ करें तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर है, और पैराबोला में अगर पॉइंट एम पर हम नॉर्मल खींचें तो वो एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे मिलता है। तो आइए हम लोग पहले इन पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। देखिए एम पॉइंट पर और एन पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं इलिप्स के लिए तो उनकी इक्वेशन हमारे पास होगी, एम पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट की इक्वेशन होगी x इंटू 3/2 अपॉन 9 प्लस y इंटू √6 अपॉन 8 इक्वल टू 1, और n पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन होगी x इंटू 3/2 अपॉन 9 माइनस y इंटू √6 अपॉन 8 इक्वल टू 1। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करें, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 अपॉन 3/2 दैट इज 6, और y मिल जाएगा हम लोगों को 0। तो इसका मतलब हमें जैसा क्वेश्चन में कहा गया था कि टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r है तो r हमें मिल जाता है 6, 0। उसके बाद हमें पैराबोला में पॉइंट m पर नॉर्मल खींचनी है, तो पैराबोला के पॉइंट m पर नॉर्मल खींचने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास एम पॉइंट पे खींचे गए नॉर्मल की इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को मिलता है क्यू पर, तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास में वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई को जीरो रखें तो वाई को जीरो रखने पे हमें मिलता है 2 × x − 3/2। तो यहाँ से हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है 7/2, यानी कि पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं 7/2, 0। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है
हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ट्राइंगल एम क्यू आर का एरिया और क्वाड्रिलेटरल एम एफ वन एन एफ टू का एरिया, ये हम लोगों से पूछा गया है। देखिए क्यू जो होगा वो हम लोगों के पास में एक्स एक्सिस पर ही स्थित होगा, तो क्यू हमारे पास में यहाँ पे कहीं स्थित है 7/2,0, और आर जो है वो भी हमारे पास में इसी एक्स एक्सिस पर कहीं पर स्थित है 6,0। तो देखिए हमसे पूछा है ट्राइंगल एम क्यू आर और क्वाड्रिलेटरल एम एफ वन एन एफ टू के एरिया का रेशियो। तो देखिए ट्राइंगल एम क्यू और आर, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग सिंपल बेस इनटू हाइट का 1/2 बेस इनटू हाइट यूज करते हैं। तो 1/2 बेस का मतलब हो गया 6 - 7/2 इनटू हाइट का मतलब हो गया एम पॉइंट की एक्स एक्सिस डिस्टेंस, दैट इज √6। नाउ अगर हम एम एफ वन एन एफ टू पर ध्यान दें, तो देखिए एम एफ वन एन और एफ टू अगर इस पे हम लोग ध्यान देते हैं तो एम एफ वन और एन एफ टू, देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को नजर आ रहा है एम एफ वन एन और एफ टू, इसमें जो डायगोनल्स हैं यानी कि एम एन और एफ वन एफ टू वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मूला 1/2 डी वन डी टू साइन थीटा, जहाँ पे डी वन और डी टू हमारे पास डायगोनल की लेंथ है और थीटा डायगोनल्स के बीच का एंगल है विच इज 90 डिग्री। तो ये हो जाता है हमारे पास में 5/2 इंटू √6 अपॉन डी वन और डी टू, अगर कैलकुलेट करें तो एक डायगोनल की लेंथ देखिए 2 है और एक डायगोनल की लेंथ है हमारे पास 2√6, तो ये हमारे पास निकल के आता है 5/8, यानी कि ये रेशियो 5:8 के बराबर है जो कि सी ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5th का जो आंसर है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th। देखिए क्वेश्चन नंबर 6th में हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है जो कि है y² = 16x, और इसकी कोई कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन हमें 2x + y = p दी गई है। इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट h, k है, तब हम लोगों से पी एच और के की पॉसिबल वैल्यूज के बारे में पूछा गया है। देखिए पैराबोला की इक्वेशन है y² = 16x और जो कॉर्ड है उसका मिडिल पॉइंट है h, k। हम जानते हैं कि कॉर्ड का मिडिल पॉइंट हमें पता हो तो हम कॉर्ड की इक्वेशन को t = s1 फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले y(2k - 8)(2x + h) = k² - 16h, ये हमारे पास में कॉर्ड की इक्वेशन आती है जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8x - ky = 8h - k². नाउ हमें इसी कॉर्ड की इक्वेशन क्वेश्चन में दी भी गई है 2x + y = p। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इन्हें कंपेयर करते हैं। तो अगर कंपेयर करें तो हमें मिलता है 8/2 - k/1 = 8h - k² / p। यहाँ से हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू होती है -4, और साथ में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 4p = 8h - k² = 16। तो यहाँ से हमें मिलता है p = 2h - 4। अब देखिए यहाँ पर k की तो एक फिक्स्ड वैल्यू हमें मिल रही है, h और p की वैल्यू फिक्स ना मिलके हमें h और p में एक रिलेशन मिल रहा है। तो हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस और इस दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें k -3 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, अगर मैं उसमें h को 2 रखता हूँ तो p = 0 आएगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है p - 2 है उस केस में, तो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी को देखें, देखिए उसमें h = 3 है, h को 3 रखते हैं तो p आना चाहिए 6 - 4 = 2, और ऑप्शन नंबर 4th में p 2 ही दिया गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6th का आंसर होता है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ये स्ट्रेट लाइन इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है। तब हमसे पूछा है कि ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो किसी राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन इक्वल्स टू वन, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। हम जानते हैं कि हाइपरबोला में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं सारे डेटा को रखूँ तो वन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू फोर माइनस सिक्सटीन, यानी कि फोर ए स्क्वायर इक्वल टू सेवनटीन। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस रूट सेवनटीन अपॉन टू, परंतु ऑप्शंस में ए को साइड के रूप में लिया गया है तो हम ए को नेगेटिव नहीं ले सकते, तो हम ए को रूट सेवनटीन अपॉन टू लेकर के चलेंगे। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन संभव हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमें साइड्स के बारे में बताया गया है कि टू ए, टू ए का मतलब हो गया रूट सेवनटीन फोर एंड वन। तो हमें इस पर विचार करना है कि क्या ये राइट ट्रायंगल की साइड हो सकती है। देखिए राइट अगर ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो करेगा। तो सबसे बड़ी साइड है 17, रूट 17, उसके बाद 4 और 1। तो देखते हैं हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 और इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो भी 17। तो इसका मतलब ये है कि ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है। अगर हम लोग बी ऑप्शन को देखें तो ए 4 एंड 1, यानी कि रूट 17 अपॉन 2 4 और 1। देखिए यहाँ अगर हम लोग देखते हैं कि क्या ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं, तो देखिए यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा तो ये राइट ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकता है। अगर हम लोग सी ऑप्शन की बात करें तो रूट 17 अपॉन 2 4 एंड 2, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है 4, तो अगर हम लोग इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो वो 16 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे पास में राइट ट्रायंगल की साइड पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो वो है 2a, यानी रूट 17 8 एंड 1, ये भी हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन कौन सा राइट ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती है। तो हमें पता लग रहा है कि ए हो सकती है और बचे हुए तीन नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा बी सी एंड डी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट्थ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट्थ में हम लोगों को एक सर्किल की इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है कि P की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती है जिस पर इस सर्किल और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में तीन कॉमन पॉइंट्स हों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस सर्किल की इक्वेशन को लिख लेते हैं और इस सर्किल के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट रेडियस और सेंटर इन सबको हम लोग पता करते हैं। तो देखिए इस सर्किल का सेंटर है हम लोगों के पास में माइनस वन कॉमा माइनस टू, रेडियस की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 1 प्लस 4 5 प्लस पी स्क्वायर रूट। एक्स इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए हमें ऐसा कहा गया है कि सर्किल और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में तीन पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो देखिए अलग अलग तीन कंडीशंस हम लोग लेके चलते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कैसे किस किस प्रकार से हो सकता है। देखिए पहला केस ये हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से हमारे पास में सर्किल बने कि सर्किल ओरिजिन से पास होता हो और एक्स और वाई एक्सिस को वो एक एक पॉइंट पे कट करता हो तो टोटल हमारे पास तीन पॉइंट होंगे। देखते हैं ये संभव है या नहीं। देखिए इस केस में चूंकि सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे ओरिजिन से सेटिस्फाई कराने पे हमें मिलता है माइनस पी इक्वल टू जीरो, यानी पी इक्वल्स टू जीरो। पी इक्वल्स टू जीरो पर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और रेडियस भी प्रॉपरली डिफाइंड है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पी को एक वैल्यू तो हमें मिली कि पी को हम जीरो ले सकते हैं। सेकेंड केस की मैं बात करता हूँ जिसमें मान के चलें कि ऐसा हो जाए कि सर्किल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करे और वाई एक्सिस को इस प्रकार से दो पॉइंट पे कट करे। देखिए इसके लिए एक्स इंटरसेप्ट जीरो होना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट को अगर मैं जीरो करता हूँ तो पी हमें मिलता है माइनस वन, और पी को माइनस वन लेने पे ना रेडियस में कोई प्रॉब्लम है ना वाई इंटरसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन है। तीसरी बात हमारे पास में ये हो सकती है कि सर्किल एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करे लेकिन y एक्सिस को वो एक पॉइंट पे टच करे। ऐसा होने के लिए y इंटरसेप्ट जीरो होना चाहिए, y इंटरसेप्ट को जीरो रखते हैं
तो पी आता है माइनस फोर। लेकिन देखिए पी को माइनस फोर लेने पर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट इमेजिनरी हो जाता है, यानी उस केस में सर्किल एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो ये हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि पी की दो ही वैल्यूज हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, टेंथ एंड इलेवेंथ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, टेंथ और इलेवेंथ, ये तीन क्वेश्चन हम लोगों को एक मैच द कॉलम के रूप में बनाए गए हैं, जिसमें ऊपर की तरफ हमें तीन कॉलम्स दिए गए हैं, वन टू एंड थ्री, और इन तीनों कॉलम्स में कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ कर्व्स की इक्वेशन दे रखी है, कॉलम टू में हमें टेंजेंट्स की इक्वेशन दे रखी है, और कॉलम थ्री में हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को जज करना है, तो ये तीनों क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हम लोगों को ये कहा गया है कि टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू एक्स प्लस एट है, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास 8,16 है। तो चार ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं उनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन को हमें जज करना है। तो देखिए हम एक एक करके इसमें ऑप्शंस को जज करते हैं। एक और चीज़ हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है ओबियसली, कि कॉलम टू में जो पहला पैटर्न दिया गया है वो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स की टेंजेंट की इक्वेशन है, सेकंड जो दिया गया है वो एक सर्किल की टेंजेंट है, थर्ड हमारे पास एक हाइपरबोला की टेंजेंट है, और फोर्थ हमारे पास एक इलिप्स की टेंजेंट है। तो कुछ कनेक्शन हम लोग वहाँ से भी जज कर सकते हैं। देखिए हम लोग एक एक करके ऑप्शंस को देखेंगे। तो ए ऑप्शन में हमें ये कहा गया है कि थर्ड, सेकंड और क्यू ये एक दूसरे से मैच करें, तो हम देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 8,16 है, हम सबसे पहले थर्ड को देखते हैं कि 8,16 जो है अगर थर्ड कर्व पर स्थित है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें मिलता है 16 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 8। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो होगी 4 इंटू 2 दैट इज 8। नाउ अगर a हमारे पास में 8 है, साथ में इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास 1 है, तो थर्ड को सेकंड ऑप्शन से मैच कराया गया है। सेकंड को इस केस में हम लोग सिंप्लीफाई करें, यानी a को 8 और m को 1 रख के देखते हैं सेकंड में, यानी कॉलम टू के सेकंड ऑप्शन में, तो वहां पे हमें क्या मिलता है देखते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए इंटू रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें मिलता है y इक्वल टू एक्स प्लस 8 रूट 2, जो कि y इक्वल टू एक्स प्लस 8 से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में भी देखिए हमें थर्ड ही दिया गया है, और थर्ड को मैच कराया गया है फर्स्ट के साथ में, तो हम लोग फर्स्ट में m और a की वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है my, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास में 1 है, तो 1 इंटू वाई इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए यानी कि 8। तो ये आता है हमारे पास में y इक्वल टू एक्स प्लस 8, जो कि दिए गए टेंजेंट से मैच कर रहा है, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। फर्दर चेक करते हैं। अब इसमें तीसरी बात दे रखी है P, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमारे पास में P होगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P ऑप्शन में दे रखा है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। यहाँ पर हम a और m की वैल्यू को रखते हैं, तो a हमारे पास 8 है, m हमारे पास 1 है, 2 इंटू 8 ये हो गया 16/1, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है 8,16, और हमारे पास में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया था वो भी 8,16 ही था। इसका मतलब ये पूरी बात थर्ड, फर्स्ट और थ्री एक दूसरे से कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं बी। और देखिए इसमें केवल एक ही कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो जब बी करेक्ट कॉम्बिनेशन आ चुका है तो हमें सी और डी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का जो आंसर है वो हमारे पास आता है बी। ऐसे हम एक एक करके ऑप्शंस को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी में जो इसी मैच द कॉलम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेंथ, अगर उसको हम लोग देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ में फिर से हम लोग उसी तरह से चेक करेंगे एक ऑप्शंस को। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ में हम लोगों को कहा गया है कि ए की वैल्यू रूट 2 है, साथ में हमें कहा गया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -1,1 है। तब हम लोगों को जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक करेक्ट कॉम्बिनेशन को जज करना है, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट, सेकंड और क्यू को एक दूसरे से मैच कराया गया है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ए अगर रूट टू है
तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू में। सेकंड हमारे पास में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है माइनस वन कॉमा वन, वो देखिए सबसे पहली बात इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। सेकंड जो इसका माइनस वन कॉमा वन पे हम लोग इस कर्व की टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी एक्स इंटू माइनस वन प्लस वाई इंटू वन इक्वल टू टू। नाउ फर्स्ट को चूंकि मैच कराया गया है सेकंड से, कॉलम सेकंड के सेकंड ऑप्शन से, तो हम सेकंड ऑप्शन में m और a की वैल्यू को रख के देखते हैं कि क्या वो इससे मैच कर रही है। देखिए यहाँ पर हमको m की जो वैल्यू मिल रही है वो माइनस वन मिल रही है, सॉरी प्लस वन हमें मिल रही है, तो हम मैच कराते हैं सेकंड में रखते हैं, तो y इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एम स्क्वायर प्लस वन दैट इज रूट टू। तो यहाँ से आता है y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, जो कि ये लाइन और ये लाइन सेम है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। फिर Q ऑप्शन की अगर हम बात करें जिसमें आगे दिया गया है, Q ऑप्शन में यानी कि कॉलम थर्ड के Q में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया गया है वहाँ हम A और M की वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या वो माइनस वन कॉमा वन आता है। तो देखिए वो दे रखा है माइनस एम इंटू ए अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन का रूट कॉमा ए अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन का रूट। देखिए ये हो जाता है हमारे पास माइनस वन कॉमा वन, और हमें क्वेश्चन में भी माइनस वन कॉमा वन ही दिया गया था। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड और क्यू भी एक दूसरे से कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है ए। और अगेन से वही बात कि चूंकि ए ऑप्शन मैच कर गया है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो बी सी और डी को चेक करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11th में भी इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में हमें कहा गया है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो रूट थ्री कॉमा वन बाई टू है, और टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो रूट थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर है। फिर से वैसे ही हम लोग एक एक कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। देखिए हम सबसे पहले अगर फोर्थ को चेक करें, तो अगर हमारे पास में स्लोप की बात करें तो वो हमारे पास में माइनस रूट थ्री बाई टू है ही। तो पहली बात, ये पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया थ्री माइनस ए स्क्वायर इंटू वन बाई फोर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलता है फाइव बाई फोर ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व बाय फाइव। नाउ फोर्थ जो ऑप्शन है, अब हमें ये भी देख लेना है कि जो फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में फोर्थ के साथ थर्ड को मैच कराया गया है। तो अगर मैं थर्ड की बात करूं, देखिए थर्ड हम लोग ओरल ही कह सकते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए कॉलम टू का जो थर्ड ऑप्शन है उसमें जो वाई इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, और ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों को जो दी गई है उसमें भी y इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव है। ओके, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो थर्ड को अगर हम लोग चेक करें, तो थर्ड में इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स दैट इज माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस ए स्क्वायर दैट इज ट्वेल्व बाई फाइव इंटू एम स्क्वायर दैट इज थ्री बाई फोर माइनस वन। ये हो जाता है हमारे पास y इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस 4 बाई फाइव स्क्वायर रूट दैट इज़ y इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस टू बाई रूट फाइव। जैसा हमें नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन मैच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में संभव नहीं है, वो रिजेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में सेकेंड फोर्थ और आर को मैच करवाया गया है, तो हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो सेकंड ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, हम इसे रूट थ्री कॉमा वन बाई टू से सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगे। तो थ्री प्लस ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आता है थ्री बाई फोर ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू फोर। नाउ सेकंड को चूंकि फोर्थ ऑप्शन से मैच कराया गया है, तो हम लोग फोर्थ को कैलकुलेट करके देखते हैं। एम की वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं माइनस रूट थ्री बाई टू, तो फोर्थ ऑप्शन है वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस ए स्क्वायर दैट इज फोर, एम स्क्वायर का मतलब हो गया थ्री बाई फोर प्लस वन।
ये हो जाता है y इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस टू, यानी कि 2y इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स प्लस फोर, रूट थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर। देखिए ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल है। इसी में आगे बढ़ते हैं, r को भी कैलकुलेट करते हैं यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी। तो r ऑप्शन में अगर हम लोग a और m की वैल्यू को रखें तो माइनस ए स्क्वायर का मतलब है 4, m का मतलब है माइनस रूट थ्री बाई टू अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर 4 इंटू थ्री बाई फोर प्लस 1 कॉमा 1 अपॉन 4 इंटू थ्री बाई फोर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है 2 रूट थ्री अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 2, यानी कि रूट थ्री कॉमा 1 बाई टू। देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें दिया गया था वो मैच कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन में जो तीनों बातें दी गई हैं वो एक दूसरे से मैच कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11th का जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12th एंड क्वेश्चन नंबर 13th दोनों एक ही पैराग्राफ से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को ये कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ये एक सर्किल की इक्वेशन है। उसके बाद हमें ये कहा गया है कि E1, E2 और F1, F2 सर्किल S की दो कॉर्ड्स हैं जो कि 1, 1 इस पॉइंट से पास होती हैं और x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हैं। देखिए सबसे पहले हम इस सर्किल को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे कहीं हम लोगों के पास में 1, 1 पॉइंट होगा जिसको कि P नॉट नाम दिया गया है, और इस पॉइंट से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है, एक कॉर्ड है जो y एक्सिस के पैरेलल है और एक कॉर्ड है जो x एक्सिस के पैरेलल है। इनको हमें कहा गया है कि ये E1, E2 और F1, F2 है। ये पॉइंट हमारे पास में 1, 1 है। इसके बाद देखिए हमें कहा गया है कि G1, G2 इज द कॉर्ड जो कि P0 से पास होती है और जिसका स्लोप -1 है। देखिए ये पॉइंट हमारे पास 2, 0 है और ये पॉइंट हमारे पास 0, 2 है। अगर हम लोग 0, 2 और 2, 0 को मिलाने वाली लाइन की बात करें तो उसकी इक्वेशन होगी x प्लस y इक्वल टू 2, 1, 1 भी उसी को सेटिस्फाई कर रहा है तो 1, 1 भी उस पर स्थित होगा और इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप -1 है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि G1, G2 जो है वो ये और ये पॉइंट हो गए और इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है ये हमारे पास में इस प्रकार से G1, G2 कॉर्ड बन जाती है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि E1 और E2 पर खींची गई टेंजेंट E3 पर मिलती हैं, F1 और F2 पर खींची गई टेंजेंट F3 पर मिलती हैं और G1 और G2 पर खींची गई टेंजेंट G3 पर मिलती है। तो हम इन सबको एक एक करके पता करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 और E2 चूंकि दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, E1 E2 स्ट्रेट लाइन, तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 1 होगी। तो E1 और E2 दोनों के y कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है, इस सर्किल को y इक्वल टू 1 से सेटिस्फाई कराएं तो x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास रूट 3, 1 है और ये हमारे पास -√3, 1 है। इसी प्रकार से अगर मैं F1 और F2 की बात करूं तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में होंगे 1, √3 एंड 1, -√3। तो E1 और E2 पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो उनकी इक्वेशन होगी, देखिए x√3 प्लस y√1 = 4 एंड -√3x + y = 4। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका नाम E3 दिया गया है, तो E3 हो जाता है जो कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। y कोऑर्डिनेट उसमें हो जाएगा 4 और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका 0, तो E3 है 0, 4। इसी तरह से F1 और F2 पर अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो F1 पर टेंजेंट की इक्वेशन होगी x+√3y = 4 और F2 पर टेंजेंट की इक्वेशन होगी x-√3y = 4। अगर हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें जिसको F3 नाम दिया गया है तो वो हमारे पास आता है 4, 0। अगर हम लोग G1 और G2 पर टेंजेंट खींचे, देखिए G1 पर और G2 पर जो टेंजेंट होगी उनकी इक्वेशन होगी x = 2 एंड y = 2। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें जिसका नाम क्वेश्चन में हमें
जी थ्री दिया गया है, तो जी थ्री की इक्वेशन कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 2, 2। तो देखिए इस तरह से E3, F3 और G3 हम लोगों को पॉइंट मिलते हैं। अब हमसे ये कहा गया है कि E3, F3 और G3 ये कौन से कर्व पे लाई करता है, तो क्लियरली हम लोगों को ऑप्शन से दिख रहा है कि इन तीनों ही ऑप्शंस में x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हम लोग कह सकते हैं कि ए ऑप्शन होगा। इसी पैराग्राफ में जो अगले क्वेश्चन है उस पर हम आगे बढ़ें, तो देखिए उसमें इस तरह से कहा गया है कि P इसी सर्किल पर एक पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, यानी कि P हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेगा। S और P पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करी है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को M और N पर मिलती है। नाउ हमें MN के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। देखिए चूंकि P इस सर्किल पर स्थित एक पॉइंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम P पॉइंट को सपोज कर सकते हैं 2 cos theta, 2 sin theta। जब इस पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी इक्वेशन होगी x cos theta + y sin theta = 2। इस टेंजेंट, ये टेंजेंट x का एक्सिस और y एक्सिस को m और n पॉइंट पे कट कर रही है, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाते हैं 2 upon cos theta, 0, और n पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाते हैं 0, 2 upon sin theta। MN के मिडिल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो MN का मिडिल पॉइंट हमारे पास हो जाता है, लेट अस से कि उस पॉइंट का नाम हम लोगों के पास में है x, तो x के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 1 upon cos theta, 1 upon sin theta। इस पॉइंट का लोकस हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि जिस पॉइंट का लोकस हम निकालते हैं उसके कोऑर्डिनेट को हम x और y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो x को मैं लिख देता हूँ 1 upon cos theta और y को मैं लिख देता हूँ 1 upon sin theta। नाउ लोकस निकालने के लिए हमें थीटा को इलिमिनेट करना है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 upon y square और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 upon x square। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है x² + y² = x² × y², जो कि इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें तो वो यही है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो होगा डी। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स देखिए कि क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को ये कहा गया है कि x² + y² = 1/2 और y² = 4x के लिए दो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट का काम कर रही है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कॉमन टेंजेंट्स की बात हो रही है। ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को पॉइंट क्यू पर कट करती हैं। एक इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजन है और जिसकी सेमी माइनर एक्सिस को ओ क्यू के बराबर लिया गया है, और इसकी माइनर एक्सिस जो है वो हमारे पास में √2 के बराबर है। तो अलग अलग कुछ ऑप्शन हमें दिए गए हैं जो हमें चेक करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x² + y² = 1/2 इस सर्किल और y² = 4x इस पैराबोला की कॉमन टेंजेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट अस से कि इनकी जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन है y = mx + a upon m, a यहाँ पे 1 है। नाउ ये हो जाता है हमारे पास mx - y + 1 upon m = 0। अगर ये स्ट्रेट लाइन सर्किल की टेंजेंट है तो हम जानते हैं कि सर्किल के सेंटर से लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के बराबर होगी, तो ओरिजन से हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो 1 upon m upon m² + 1 square root रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर हो जाएगा, यानी 1 upon √2 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखिए मिलता है 1 upon m² × m² + 1 = 1/2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि m स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यानी कि कॉमन टेंजेंट्स के जो स्लोप हैं वो प्लस माइनस 1 हमारे पास होंगे। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन की बात करूँ तो वो हमारे पास हो जाती है y = x + 1 and y = -x - 1। ये दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकाल दी। अब देखिए ये कहा गया है कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को Q पॉइंट पे कट करती हैं, तो अगर हम इन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा -1, 0। ये हमारे पास इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। अगर हम ड्रॉ करें तो ये O, ये Q। हमें कहा गया था कि OQ को सेमी मेजर एक्सिस लेकर के एक इलिप्स बनाया जाता है जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो देखिए ये इलिप्स हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगा, ये -1, 0 है, तो ये पॉइंट हमारे पास 1, 0 हो गया।
हमें कहा गया है कि माइनर एक्सिस की लेंथ रूट टू है। अगर माइनर एक्सिस की लेंथ रूट टू है तो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होती है रूट टू अपॉन टू यानी वन बाई रूट टू, तो ये 0, 1/√2 हो जाता है और ये 0, -1/√2 हो जाता है। अब देखिए आगे इसमें कहा गया है अलग अलग बातें, तो अब हम इस एलिप्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। देखिए ए यहाँ पर हो जाता है 1 इस एलिप्स के लिए, बी हो जाता है 1/√2। तो सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करें, तो इसेंट्रिसिटी के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - e². तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसेंट्रिसिटी हमारे पास में आ जाती है 1/√2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी 2b² / a यानी 2 × 1/2/1 यानी कि 1। ये हमारे पास में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाती है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले ऑप्शन को देखें तो उसमें एलिप्स की इसेंट्रिसिटी को 1/√2 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को 1 बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है और ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाता है। सी और डी ऑप्शन में एक एरिया हम लोगों से पूछा गया है, जो देखिए कौन सा एरिया है, ये पूछा गया है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द एलिप्स बिटवीन द लाइन्स x = 1/√2 एंड x = 1। तो x = 1 और x = 1/√2 जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये एरिया इस तरह से बाउंड होगा। इस एरिया के बारे में हमसे पूछा गया है, तो देखिए इस एरिया को निकालने के लिए हम सबसे पहले इस एलिप्स की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस एलिप्स की इक्वेशन के बारे में हम बात करें तो इस एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास में x² / a² + y² / b² = 1। यहाँ से देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2y² = 1 - x², तो y² = +-1 - x² √√2। ये y की वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें कि हमें जो एरिया पूछा गया था उस एरिया को हम लोग फाइंड आउट करें, तो ये एरिया हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। इस एरिया को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 - x² / √2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/√2 to 1, और इस एरिया को अगर मैं ट्वाइस कर दूंगा तो ये पूरा एरिया हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाता है हमारे पास में रूट टू, 1 - x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x / 2 √√2 / 1 - x² + 1/2 (sin−1)(x) फ्रॉम 1/√2 to 1। हम इजीली इस लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में सिंप्लीफाई हो करके आ जाएगा 1/4√2 (π − 2) के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है ये हो जाता है हमारे पास में ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि P −2, 7 और Q 2, -5 ये दो पॉइंट हैं, टी इन दोनों से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है, F1 एक ऐसा सेट है, उन सभी पेयर ऑफ सर्कल्स का सेट है जिसमें टी टेंजेंट का काम कर रही है, S1 सर्किल P पॉइंट पर उसको टच करता है और S2 सर्किल उस स्ट्रेट लाइन को Q पॉइंट पे टच करता है। साथ में ये भी कहा गया है कि सर्किल S1 और S2 एक दूसरे को भी टच करने चाहिए और वो पॉइंट M पर एक दूसरे को टच करते हैं। देखिए इतनी बात को पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास में P है -2, 7 और ये हमारे पास में पॉइंट Q है 2, -5। अब हमें कहा गया था कि S1 एक ऐसा सर्किल है जो कि इस स्ट्रेट लाइन को P पॉइंट पे टच करता है, तो से हमारे पास में पॉइंट P पे इस स्ट्रेट लाइन को टच करने वाला सर्किल इस प्रकार से है, और एक अनादर सर्किल है S2 जो कि Q पॉइंट पर T को टच करता है और ये दोनों सर्किल भी एक दूसरे को टच करते हैं। तो मान लेते हैं कि वो सर्किल कुछ इस प्रकार से है, ये दोनों सर्किल एक दूसरे को पॉइंट M पर टच करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि E1 इज़ द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M, यानी कि हमें पॉइंट M का लोकस सबसे पहले निकालना है और उसी का नाम इन्होंने E1 दे रखा है।
देखिए स्टूडेंट, अगर मैं M पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट खींच दूं, हम इसे दोनों सर्किल की रेडिकल एक्सिस भी कह सकते हैं, तो चूंकि ये रेडिकल एक्सिस है इसलिए इस पॉइंट की इससे और इससे डिस्टेंस इक्वल है, साथ में ये डिस्टेंस भी बराबर होगी। अगर हम इस पॉइंट को कुछ नाम दें, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको पॉइंट ए नाम देता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि एम ए इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू ए क्यू होगा। अब ये कहा जा सकता है इस इन्फॉर्मेशन से कि पॉइंट एम का जो लोकस होगा वो पी क्यू को डायमीटर लेकर के जो सर्किल बनेगा वही होगा। तो यानी कि मैं अगर लोकस ऑफ एम की बात करूँ, जिसका नाम इन्होंने क्वेश्चन में ई वन दे रखा है, वो होगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस सेवन इंटू वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थर्टी नाइन इक्वल टू जीरो। लेकिन हमें यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि पॉइंट P और पॉइंट Q भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, परंतु M पॉइंट P और Q पे लाई नहीं कर सकता, इसलिए इस इक्वेशन में हम X को प्लस माइनस टू नहीं ले सकते। X को प्लस टू लेने पर Q पॉइंट मिल जाता और माइनस टू लेने पर P पॉइंट मिल जाता। तो E1 जो है वो हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन आई, लेकिन इसमें हमें इन दोनों पॉइंट को लीव करना पड़ेगा। आगे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि even is let the set of all the straight line segment joining a pair of distinct points of E1 and passing through the point r 1,1 is f2। that is, देखो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि E1 एक सर्किल की इक्वेशन है हमारे पास। मान लेते हैं यहां पे कहीं हमारे पास में 1,1 पॉइंट है। कहा गया है कि E1 पर स्थित किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो कि 1,1 से जाए, तो ये हमारे पास में E1 की, ये हमारे पास में E1 सर्किल है, इस पे दो पॉइंट हमने लिए और उसको हमने 1,1 पॉइंट से जोड़ दिया। नाउ इस जो ये जो कॉर्ड है हमारे पास, इस कॉर्ड के मिडिल पॉइंट के लोकस को E2 नाम दिया गया है। ये जो हमारे पास में कॉर्ड है, लेट अस से इस कॉर्ड का नाम है BC, तो BC कॉर्ड के मिडिल पॉइंट का लोकस F2 है, हमें ऐसा कहा गया है। तो देखिए हमें F2 का लोकस निकालना है और इस सर्किल का जो सेंटर है वो हम कह सकते हैं 0,1 है। इस पॉइंट के लोकस की हमें बात करनी है। देखिए सीधी सी बात ये है कि ये एंगल हमारे पास में 90 डिग्री होगा। ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि 0,1 और 1,1 को डायमीटर का एंड पॉइंट मानते हुए अगर हम सर्किल खींचेंगे तो वो निश्चित रूप से इस पॉइंट से पास होगा। यानी कि इस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए हम उस सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट 0,1 और 1,1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग F2 की इक्वेशन फाइंड आउट करें तो वो होती है x माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास F2 की इक्वेशन आती है। परंतु हमें इसमें भी एक बात ध्यान रखनी होगी कि B और C ये दोनों पॉइंट P और Q पॉइंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि P और Q पॉइंट E1 पर लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे पास में, इसलिए P और C को P और Q नहीं लिया जा सकता है। ठीक, तो इसलिए आगे अगर अब फर्दर हम देखें ऑप्शंस को, हम देखते हैं सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए में ये कहा गया है कि -2,7 जो पॉइंट है वो E1 पर लाई करता है। देखिए ये तो हमें ओरल ही ऑब्जर्व हो रहा है कि -2,7 P पॉइंट है और वो E1 पर लाई नहीं कर सकता है। हालांकि वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, परंतु फिर भी हम P पॉइंट को इस E1 पर नहीं मान सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमें ये कह रहा है कि ये हमारे पास लोकस E2 है। ऑप्शन नंबर बी हमें ये कह रहा है कि 4/5,7/5 ये जो पॉइंट है वो E2 पर लाई नहीं करता है। देखिए जब हम लोग 4/5,7/5 पॉइंट को E2 यानी कि इस इक्वेशन पर रख करके चेक करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई तो कर जाएगा, उससे हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि ये जो पॉइंट है वो E2 पर लाई करेगा। परंतु हमें यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रखनी थी
कि B और C पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग P और Q नहीं ले सकते हैं। तो देखिए ये पॉइंट इसी तरह का एक पॉइंट है जो कि B या C को P पॉइंट मानने पर आएगा। हम ये कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास में 1,1 पॉइंट है। अगर हम लोग इस पॉइंट को -2,7 पॉइंट मान के चलें, सेंटर हमारे पास 0,1 है, 0,1 से मैं इस स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और इस पॉइंट को फाइंड आउट करता हूँ। अगर ये पॉइंट 4/5,7/5 आ गया तो हम कह पाएंगे कि वो पॉसिबल नहीं है, भले ये पॉइंट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता हो। तो देखिए इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए -2,7 और 1,1 को मिलाने वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास में है y-1 = -6/3 × x-1, दैट इज y-1 = -2x + 2, 2x + y - 3 = 0। 0,1 से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर का फूट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो अगर फूट ऑफ परपेंडिकुलर λ,μ है तो हम कह सकते हैं कि λ-0/2 = -1/1 = -0+1 - 3/4+1 = 5। तो यहाँ से ये हमें मिलता है 2/5। तो देखिए लैम्डा मिला हमें 4/5 और 2/5 + 1 = 7/5। तो हमें साफ तौर पे ऑब्जर्व हो रहा है कि 4/5,7/5 पॉइंट तभी मिलेगा जब हम इस पॉइंट को -2,7 लेंगे, जो नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 4/5,7/5 इस E2 कर्व पर स्थित नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी पर बढ़ें तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1/2,1 E2 कर्व पर लाई करेगा। तो देखिए हम 1/2,1 पॉइंट को इस E2 की इक्वेशन से सेटिस्फाई करा के देखेंगे। तो जब हम 1/2,1 पॉइंट को इससे सेटिस्फाई करेंगे तो देखिए आएगा 1/4 + 1 - 1/2 - 2 + 1 = 0। ये हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट E2 पर लाई नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वो कह रहा है कि 0,3/2 E1 पर लाई नहीं करता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 0,3/2 से सेटिस्फाई कराएं तो देखिए हमें मिलता है 9/4 - 3 - 39 = 0, जो कि गलत है, यानी ये पॉइंट इस कर्व पे स्थित नहीं है और ऐसा ही फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है, तो वो सही है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16th, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16th में हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है और इस हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस LM है जो कि वर्टेक्स पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए ये हाइपरबोला का जो सेंटर है वो हमारे पास में ओरिजन है, इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। LM इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो मान लेते हैं यहाँ पॉइंट L और यहाँ पॉइंट M लाई करता है। वन ऑफ द वर्टेक्स मान लेते हैं कि ये पॉइंट N है। कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि LM N पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल हमारे पास में टोटल 60 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो हमारे पास में 30 डिग्री का एंगल होगा, इतना एंगल। ये हमारे पास में A,0 है, ये हमारे पास 0,B है। ये लेंथ हमारे पास B हो जाती है और ये लेंथ हमारे पास A हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो B और A को कनेक्ट कर सकते हैं। 10 30 डिग्री = B/A, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है A = √3B। एक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में ये मिलती है। आगे हमें ये कह रखा है कि ट्राइंगल LMN का जो एरिया है वो 4√3 है। तो देखिए LMN का एरिया निकालें तो 1/2 base, इसे हम 2B लेंथ बोल सकते हैं, into हाइट, इसे हम A लेंथ बोल सकते हैं। ये हमें दिया गया है 4√3। A की वैल्यू को मैं यहाँ पर √3B अगर रख देता हूँ तो देखिए यहाँ से हम लोगों को B की वैल्यू मिल जाती है 2, और B को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें तो A की वैल्यू मिल जाती है 2√3। तो इस तरह से हमें A और B की प्रॉपर वैल्यूज मिल जाती हैं। अब हम लोग इसके एक एक ऑप्शंस को चेक करते हुए चलते हैं।
तो देखिए पी ऑप्शन जो है मैथ्स कॉलम में हमसे पूछा है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हम जानते हैं 2b होगी जो कि हमारे पास 4 है। क्यू ऑप्शन में हमसे पूछा गया है इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से अगर मैं ई स्क्वायर माइनस वन की बात करूँ तो वो 1/3, तो e हमें मिलता है 2/√3, इसेंट्रिसिटी 2/√3 हमें मिल जाती है। ऑप्शन नंबर आर में हमसे पूछा गया है दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, हम जानते हैं दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2ae होती है, तो वो हो जाती है 2 × 2√3 × 2/√3, तो वो हो जाती है हमारे पास 8। एस की बात करें तो एस हमें कहा गया है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो होगी 2b² / a यानी कि 2 × 4/√3, तो ये हमारे पास में आती है 4/√3। अब अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो कह रहा है कि पी फोर्थ के बराबर होगा, हमारे पास भी वही आ रहा है। क्यू थर्ड ऑप्शन के बराबर होगा, हमारे पास भी वही आ रहा है। आर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन के बराबर होगा, हमारे पास भी वही है। और एस हमारे पास सेकंड ऑप्शन के बराबर है, वही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है y = mx + 1, जो एक सर्किल x − 3² + y + 2² को 25 को पी और क्यू पॉइंट पे कट करती है। अब हमें कहा गया है कि अगर लाइन सेगमेंट पी क्यू का मिडिल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट −3/5 है तो करेक्ट ऑप्शन हमें जज करना है। तो देखिए स्टूडेंट ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह से ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3, −2 और रेडियस है 5। y = mx + 1 इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन है जो इस सर्किल को P और Q पॉइंट पे कट करती है, और PQ का जो मिडिल पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट −3/5 है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। देखिए अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट −3/5 है तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा −3/5m + 1। अब अगर हम लोग सेंटर और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप यानी इस सेगमेंट का स्लोप निकाले तो वो होगा −3/5m + 1 + 2/−3/5 −3, और इस कॉर्ड का स्लोप है m, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे इसलिए इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो −1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे m की वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास में आता है 15 − 3m / −18 × m = −1। तो यहाँ से हमारे पास आता है 5m − m² = 6, m² − 5m + 6 = 0। तो यहाँ से देखिए हमारे पास m की दो वैल्यू निकल के आती है, एक 2 और एक 3। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इन दोनों डेटा के लिए सही ऑप्शन है और बचे हुए तीन ऑप्शन गलत हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कुछ इलिप्स का कलेक्शन और कुछ रेक्टेंगल्स का कलेक्शन दिया गया है, जिसमें हमें E1 की इक्वेशन दे रखी है x² / 9 + y² / 4 = 1। साथ में हमें कह रखा है कि R1 एक ऐसा रेक्टेंगल है जो E1 के अंदर इंस्क्राइब्ड है और मैक्सिमम एरिया का होना चाहिए, और फिर उसी प्रकार से हमें कह रखा है कि EN एक ऐसा इलिप्स है जो कि Rn-1 के अंदर इंस्क्राइब्ड है और मैक्सिमम एरिया का है। तो देखिए हम ये क्या कह रहे हैं इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, सबसे पहली बात E1 की इक्वेशन हमें दे रखी है x² / 9 + y² / 4 = 1। हम लोग कंफर्ट रखने के लिए क्वेश्चन में ए को 3 और बी को 2 मान लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास हो जाता है x² / a² + y² / b² = 1। नाउ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार का इलिप्स है। अब देखिए इसके बाद हमें जो बात कही गई थी कि R1 एक ऐसा रेक्टेंगल है जो कि E1 के अंदर इंस्क्राइब्ड है और मैक्सिमम एरिया का है,
तो देखिए इस प्रकार से कुछ R1 बनना चाहिए। अब ये अगर हमारे पास में R1 है, अब हमें देखिए कहा गया है कि EN RN माइनस वन के अंदर स्क्राइब्ड है, इसका मतलब है E2 R1 के अंदर स्क्राइब्ड मैक्सिमम एरिया का एलिप्स है। तो अगर हम लोग E2 की बात करें, देखिए इस रेक्टेंगल के अंदर मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल हम लोग ये बना सकते, बना पाएंगे। ये हमारे पास E2 है, इसी प्रकार से E2 के अंदर फिर से एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका नाम हमारे पास R2 होगा, और फिर R2 के अंदर एक और एलिप्स बनेगा जिसका नाम E3 होगा, और इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो हमें जनरल पैटर्न्स को पहचानना है ताकि हम सभी एलिप्स और सभी रेक्टेंगल्स की यहाँ पे बात कर सकें। तो देखिए सबसे पहले उसके लिए मैं ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लेता हूँ ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये पॉइंट हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा माइनस बी साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा कॉमा माइनस बी साइन थीटा। अब देखिए अगर मैं रेक्टेंगल आर वन का एरिया निकालता हूँ तो वो हमारे पास हो जाता है 2a cos थीटा इंटू 2b sin थीटा, यानी कि 2ab sin 2 थीटा। हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए हमें दिख रहा है साफ तौर पे कि sin 2 थीटा को हम लोग 1 लेंगे, और sin 2 थीटा को जब हम 1 लेंगे तो थीटा को हमें पाई बाय 4 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो r1 है उस रेक्टेंगल का जो मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है दैट विल बी इक्वल टू 2ab। और यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस केस में R1 के जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हो जाते हैं a बाई रूट टू कॉमा बी बाई रूट टू प्लस माइनस, इन चारों पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये जब हमारे पास में R1 के वर्टेक्स आ जाते हैं चारों, e2 की अगर मैं बात करूँ तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जो e2 है ये कॉर्डिनेट हमारे पास में a cos थीटा कॉमा जीरो है, और ये हमारे पास में जीरो कॉमा b sin थीटा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं E2 इलिप्स की बात करूं तो E2 इलिप्स की इक्वेशन होगी x स्क्वायर अपॉन a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जिसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a बाई रूट टू होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b बाई रूट टू होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर हम एक पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास E1 इलिप्स था जिसमें हमारे पास में यहाँ और यहाँ A और B डेटा है, E2 इलिप्स में यहाँ पर A बाई रूट टू और B बाई रूट टू आ जाता है। जब इसी प्रकार से हम E3 इलिप्स पर जाएंगे तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी बाई टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लोग पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करें तो हम सीधे सीधे ये लिख पाएंगे कि ई एन इलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू रेस टू दी पावर एन माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर। देखिए ऐसा करने पे हमें साफ तौर पे दिख रहा है अगर मैं ई वन की बात करूं एन को वन रखेंगे तो ये टू की पावर जीरो वन हो जाएगा, एन को मैं टू रखूंगा तो ये रूट टू हो जाता है यानी कि ई टू आ गया, एन को अगर मैं थ्री रखता हूं तो ये हमारे पास में 2 आ जाता है। तो इस तरह से ये सारे पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। इसी प्रकार से b हमें y के नीचे की क्वांटिटी भी लिख देनी चाहिए। तो ये हमने जनरल en इलिप्स की इक्वेशन को फाइंड आउट करा। अब हम देखते हैं कि rn यानी कि जो रेक्टेंगल है उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, या हम लोग पहले ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें तो ये कह रहा है कि E18 और E19 इन दोनों इलिप्स की इसेंट्रिसिटी इक्वल नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि E1 हो या E2 हो या ये जनरल इलिप्स, उसमें मेजर और माइनर एक्सिस का जो रेशो है, लेंथ का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा, और अगर मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ का रेशो कांस्टेंट है तो फिर उस तरह के सभी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी सेम होती है, यानी कि सारे इलिप्स की इसेंट्रिसिटी यहाँ पर सेम है। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर टू में हमसे कहा गया है कि E9 इलिप्स में फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस रूट फाइव अपॉन 32 होगी। देखिए हम जानते हैं कि फोकस और
इलिप्स के बीच की फोकस और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास ए ई होती है। ई नाइन इलिप्स की अगर मैं बात करूँ तो ई नाइन इलिप्स में ए की वैल्यू है ए अपॉन टू रेस टू दी पावर 9-1/2 इंटू इसेंट्रिसिटी भी हम लोगों को जज कर लेनी चाहिए। तो देखिए इसेंट्रिसिटी हम लोग यहाँ पर जज कर लेते हैं इसी इलिप्स की, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1-e² यानी 1-e² इक्वल टू 4/9। तो यहाँ से e आता है √5/3, ये सभी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है। तो यहाँ पर मैं √5/3 लिख सकता हूँ और a की वैल्यू हम लोगों ने क्वेश्चन में ले रखी है 3, तो ये हो जाता है 3/2 4/16 इंटू √5/3 यानी √5/16। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत ऑप्शन हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन, पहले फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमें कहा गया है कि ई नाइन इलिप्स की जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी लेंथ 1/6 होगी। तो देखिए ई नाइन इलिप्स में अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालूँ तो वो हमारे पास होगी 2b² / a यानी कि 2b का मतलब हमारे पास में हो जाता है b/2 9th इलिप्स की बात हो रही है तो 2^9 -1/2 2 अपॉन a, a का मतलब हो जाता है a/2 9-1/2। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें और b की वैल्यू को हम लोगों को यहां पे रखना है 2, तो 2² हो जाता है 4 डिवाइड बाई 2^4 उसका स्क्वायर तो 2^8 इंटू 2^4 अपॉन ए हमारे पास में है 3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास में होता है इसे, और हम कुछ पैरामीटर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाता है 1/6। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमें 1/6 ही दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड को अगर हम देखें, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमें कह रहा है कि जितने भी हमारे पास में रेक्टेंगल्स बने हैं एरिया ऑफ आर एन, इसका जो सिग्मा है n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, वो निश्चित रूप से 24 से कम होगा चाहे हम n की वैल्यू को कुछ भी ले लें। तो देखिए इसको चेक करने के लिए हम लोग एरिया ऑफ आर एन निकाल लेते हैं जिसमें हम n को 1 से लेके इन्फिनिटी तक लेंगे। अगर इन्फाइनाइट टर्म्स का सम भी 24 से कम है तो फिर ये वाली बात जो है वो सही हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग ये कहेंगे कि ये एरिया है R1+R2+R3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटिव। अगर मैं R1 रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, देखिए किसी भी रेक्टेंगल का एरिया था हमारे पास में 2AB, तो R1 का जो एरिया है वो है 2AB, हम A और B की वैल्यू को जज करते हुए रखें। R2 का जो एरिया है वो होगा 2, A की वैल्यू है a/2^2 इंटू b/2^1/2। ऐसे ही R3 की बात करें तो इसका एरिया होगा 2a/2^2 और b/2^2 और इसी तरह से ये इन्फिनिटिव तक चलेगा। a और b, 2ab को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो 2ab को कॉमन लिया तो ये आता है 1+1/2, फिर यहाँ आता है 1/4 टिल इन्फिनिटिव। a और b की वैल्यू को 3 और 2 हम लोग रख देते हैं, gp को इन्फिनिटिव gp से जोड़ा जा सकता है, जब इस इन्फिनिटिव सीरीज को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, तो ये हमारे पास होता है 24। इसका मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम 24 है, तो ऑप्शन नंबर 3 को भी हम लोग सही कहेंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड गलत ऑप्शन है और थर्ड और फोर्थ सही ऑप्शन है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि बी पॉइंट A2, 3 की एक स्ट्रेट लाइन (8x-6y-23)0 के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन है। हमें दो सर्किल्स दिए गए हैं जिनकी रेडियस 2 और 1 है और सेंटर्स A और B हैं रेस्पेक्टिवली। देखिए इतनी डेटा को हम लोग सबसे पहले जज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग A पॉइंट का (8x-6y-23)0 के रेस्पेक्ट में इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे, x-2/8 y-3/-6 = -2
16 माइनस 18 माइनस 23 अपॉन 100, ये हमारे पास में सिंप्लीफाई होकर आता है 1/2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है 6 और y की वैल्यू मिल जाती है 0। तो पॉइंट B जो कि 2,3 की इमेज है वो पॉइंट हमारे पास हो जाता है 6,0। अब देखिए इस तरह से कुछ कहा गया है कि ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है, और A और B को सेंटर लेके दो सर्किल खींचे गए हैं जिनकी रेडियस 2 और 1 है। इनके नाम हम लोगों को टॉ A और टॉ B इस तरह से दिए गए हैं। इसकी रेडियस हमारे पास 2 है और इसकी रेडियस हमारे पास 1 है। अब देखिए आगे हमें कहा गया है कि T एक ऐसी कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्किल की जिसके लिए दोनों सर्किल सेम तरफ हैं। तो इस तरह से हम लोग एक कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, सर्किल दोनों सेम तरफ हैं। A और B को मिलाने वाली जो लाइन है वो इस टेंजेंट को C पॉइंट पे कट करती है। तो देखिए A और B के जो सेंटर हैं उनको हमने मिला दिया, ये A था ये B था, तो ये हमारे पास में पॉइंट C है। अब हम लोगों से A और पॉइंट C के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये A ये B और ये C है, तो हम जानते हैं कि पॉइंट C AB को R रेडियस के रेशो में डिवाइड करेगा, यानी कि C पॉइंट AB को 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट है। A हमारे पास 2,3 और B हमारे पास में 6,0 है। सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम पॉइंट C सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 6 12 माइनस 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1,0 माइनस 3/1, यानी कि पॉइंट C इसके कोऑर्डिनेट आते हैं हमारे पास 10, -3। अब हम सीधे A और C पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 64 प्लस 36 इसका स्क्वायर रूट आता है हमारे पास में, तो ये हमारे पास आता है डिस्टेंस 10। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो हो जाता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट मैच द कॉलम है जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दिए गए हैं इन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें दो सर्किल्स की इक्वेशन दी गई है, C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड C2 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, जो एक दूसरे को पॉइंट्स x और y पर कट करते हैं। एक अनादर सर्किल C3 भी हमें दिया गया है जिसका सेंटर h, k है और रेडियस r है। ये सर्किल का जो सेंटर है वो C1 और C2 के सेंटर्स के साथ हमें कोलिनियर है, साथ में ये C1 और C2 जो सर्किल्स हैं वो C3 के अंदर लाई करते हैं। C3 C1 को M पर और C2 को N पॉइंट पर टच करता है। साथ में हमें ये कहा गया है कि X और Y से जाने वाली जो लाइन है वो C3 को Z और W पर कट करती है, और C1 और C3 की जो कॉमन टेंजेंट है वो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फा y की भी टेंजेंट है। तो इन सब डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हमें चार अलग अलग क्वांटिटीज़ जो कि लिस्ट 1 में दी गई है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इन सर्कल्स को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास में C1 और ये हमारे पास में C2 सर्किल है। साथ में हमें कहा गया था कि एक तीसरा सर्किल है जो इस प्रकार से लाई कर रहा है कि C1 और C2 उसके अंदर लाई करते हैं। ये हमारे पास में C3 सर्किल है। ये दोनों, ये पॉइंट M हो गया, ये पॉइंट N हो गया, ये C1 का सेंटर है इसे हम S1 नाम दे देते हैं, ये हमारे पास C2 का सेंटर है इसे हम S2 नाम दे देते हैं, ये 3,4 पॉइंट है। पहले सर्किल की रेडियस हमारे पास में 3 है, तो ये लेंथ हमारे पास में 3 हो गई, ये लेंथ हमारे पास में 4 हो गई। 0,0 और 3,4 के बीच की डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 5 हो जाती है। तो देखिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि MN जो कि C3 सर्किल की डायमीटर है उसकी लेंथ हमारे पास है 3 + 5 + 4 यानी कि 12। तो यहाँ से हमें C3 सर्किल की रेडियस मिली 6। अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट M और N को कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखिए सेक्शन फॉर्मूले से हम लोग ये देख सकते हैं, एस वन हमारे पास में 0, 0 है, एस टू हमारे पास में 3, 4 है, और पॉइंट एम की अगर मैं बात करूँ, देखिए एम और एस वन के बीच की डिस्टेंस 3 है, और एम और एस टू के बीच की डिस्टेंस 3 + 5 यानी कि 8 है। यदि हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे 9 - -9/5 -12/5। तो ये हमारे पास पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। बिल्कुल इसी प्रकार से हम पॉइंट एन पर भी जा सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एस वन, ये हमारे पास एस टू, और ये हमारे पास पॉइंट एन है। एस वन की पॉइंट एन से डिस्टेंस है 5 + 4 दैट इज 9, और पॉइंट एस टू की एन से डिस्टेंस है 4। सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से हम लोग पॉइंट एन पर आ सकते हैं। तो पॉइंट एन के बारे में हम कह सकते हैं कि पॉइंट एन होगा हमारे पास 4 × 0 - 9 × 3 / 4 - 9 दैट इज -5, 9 × 4 = 36 -4 × 0 - -0.5। एक बार और इसे हम देख सकते हैं, ये 0, 0 है, ये 3, 4 है, n की s1 से जो डिस्टेंस है वो 9 है, n की s2 से डिस्टेंस हमारे पास 4 है, यानी पॉइंट n s1 s2 को 9:4 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। तो 9 × 3 = 27 -4 × 0 / 9 - 4 दैट इज -5 अगेन 9 × 4 = 36 -0.5। तो यहाँ से पॉइंट n हमारे पास निकल के आता है 27/5 - 36/5। इस तरह से हमने पॉइंट m और पॉइंट n को पता कर लिया। अब निश्चित रूप से mn C3 सर्किल की डायमीटर है, तो mn का जो मिड पॉइंट होगा वो C3 सर्किल का सेंटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि C3 सर्किल का सेंटर, जिसको यदि हम लोग पॉइंट S3 नाम दें, तो वो होगा -9/5 + 27/5 / 2 दैट इज 9/5 -12/5 + 36/5 / 2 दैट इज 12/5। ये हमारे पास में C3 सर्किल का सेंटर हमें मिल चुका है, जिसको कि क्वेश्चन में H, K नाम दिया गया है। तो H हमारे पास होता है 9/5 और K हमारे पास होता है 12/5। ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारे को मिल जाती है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि C1 और C3 की जो कॉमन टेंजेंट है, देखिए यहाँ पर पॉइंट M पर हमारे पास में इस प्रकार से एक टेंजेंट बनेगी जो कि C1 और C3 की कॉमन टेंजेंट है, और यही टेंजेंट x² = 8α y की भी टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम इस टेंजेंट की इक्वेशन को निकाल लेते हैं। हम M पॉइंट को जानते हैं और हम C1 सर्किल की इक्वेशन को भी जानते हैं। तो C1 सर्किल के इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x² (-9/5 + y (-12/5) = 9 दैट इज -3x - 4y = 15 3x + 4y + 15 = 0। तो ये हमें जो है कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिली। नाउ हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x² = 8α y के लिए भी ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट का काम करती है। देखिए यहाँ से हमने y की वैल्यू को निकाल लिया -3x - 15/4 और इसे हम लोग पैराबोला की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x² = 8α - 3x - 15/4 ये हमारे पास में आती है x² = -6α x - 30α दैट इज x² + 6α x + 30α = 0। अगर ये पैराबोला की टेंजेंट है तो यहाँ पर हमें x का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो 36α² - 4 × a × c = 0 मिलता है।
अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि अदरवाइज वो जो कर्व हमें दिया गया है वो पैराबोला नहीं रहेगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं 4 × 5/6, दैट इज 10/3। तो ये हमें इस प्रकार से अल्फा की वैल्यू 10/3 मिलती है। अब हम लिस्ट वन के एक एक ऑप्शंस को चेक करते हुए चलेंगे कि उनकी वैल्यूज कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो मैं बोर्ड पे लिखा रहने देता हूँ। अब देखिए, जो सबसे पहला सेक्शन है उसमें हमसे वैल्यू पूछी गई है 2H+K की, तो ये हो जाता है 18/5 + 12/5 यानी 30/5, दैट इज 6। सेकंड मैचिंग में हम देखें तो हमसे पूछा गया है ZW और XY की लेंथ का रेशियो। देखिए, यहाँ पर हमें ये भी कहा गया था कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को XY पर कट करते हैं और XY लाइन आगे बढ़ाने पर C3 सर्किल को Z और W पॉइंट पे कट करती है। तो इस प्रकार से XY और Z और W को भी हम देख सकते हैं। तो ZW और XY की लेंथ का रेशियो हमसे पूछा गया है। देखिए, XY और ZW दोनों रेस्पेक्टिवली C1 और C3 सर्किल्स की कॉर्ड्स हैं। अगर किसी भी सर्किल में हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है और कॉर्ड की इक्वेशन पता है तो हम उस सर्किल की, उस कॉर्ड की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉर्ड XY की इक्वेशन भी हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं। उसके लिए हम सीधे, चूंकि ये कॉर्ड C1 और C2 सर्किल की कॉमन कॉर्ड है तो उसे C1 - C2 = 0 से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए हम लोग XY की इक्वेशन को निकाल लेते हैं। XY की इक्वेशन या ZW की इक्वेशन एक ही बात है, ये C1 - C2 = 0 से हमें पता लग जाएगी। तो सर्किल C1 में से मैं सर्किल C2 को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास हो जाता है, देखिए, 6X + 8Y - 25 = -7, दैट इज 3X + 4Y - 9 = 0। ये हमारे पास XY की इक्वेशन आ जाती है। अब हम यहाँ से पता कर लेते हैं कि ZW एंड XY की लेंथ क्या होगी। देखिए, XY के लिए हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास में C1 सर्किल है, ये उसकी कॉर्ड है XY, ये सेंटर है 0, 0 और इसकी रेडियस है 3। 0, 0 से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देखिए, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं P। ये हमारे पास में राइट एंगल है तो हम लोग ये जो पॉइंट है इसी को P कह रहे हैं। तो देखिए, XY को हम लोग बोल सकते हैं 2 × √ π मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका स्क्वायर 9 माइनस 0, 0 से XY पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। 0, 0 से इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास में 9/5। तो उसका स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 81/25। ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 × 5 × 145 - 81, दैट इज 144 का स्क्वायर रूट 12। तो ये आता है हमारे पास 24/5। अगर हम लोग ZW को भी इसी तरह से फाइंड आउट करें तो देखिए, सिंपल, बिल्कुल यही सब का काम हम लोग उसके लिए करेंगे। बट ZW के लिए हम लोग सर्किल C3 का सेंटर लेंगे, जिसको हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे कि सर्किल C3 का जो सेंटर था वो हमारे पास में था S3, जो कि था हमारे पास में 9/5, 12/5। XY या ZW की हमारे पास इक्वेशन है और सर्किल C3 की जो रेडियस है वो हमारे पास 6 है। और तो हम लोग देखिए इस तरह से, बिल्कुल वही जो तरीका हमने यहाँ पर अप्लाई किया वही हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ZW हमारे पास हो जाता है 2 × √ रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 36 माइनस, देखिए इस पॉइंट से हमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और उस लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो वो लेंथ हम देखें तो 3 × 9 = 27/5 + 48/5 - 9/5, इसका मॉडुलस आता है, ये मिलके हमारे पास हो जाता है 15 - 9, ये हमारे पास हो जाता है 75 15 15 माइनस
9, दैट इज 6 अपॉन 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 अपॉन 25 हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये हो गया 2/5 इंटू 6 इंटू 24 का स्क्वायर रूट, दैट इज 2√6। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास में निकल के आती है 24 अपॉन 5 इंटू √6। ये हमको जेड डब्ल्यू की लेंथ निकल के आ रही है, ये जेड डब्ल्यू और ये हमारे पास एक्स वाई था। तो देखिए सेकंड पोर्शन में हम लोगों से जेड डब्ल्यू और एक्स वाई की लेंथ का रेशियो पूछा गया है, तो जेड डब्ल्यू को एक्स वाई से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास आता है √6। तो सेकंड मैच द कॉलम का आंसर हो जाता है √6। अगर हम तीसरे सेक्शन पर आगे बढ़े तो देखिए तीसरा सेक्शन था हमारे पास में जिसमें हमसे पूछा गया है ट्रायंगल एम जेड एन और ट्रायंगल जेड एम डब्ल्यू के एरिए का रेशो। देखिए ट्रायंगल एम जेड एन को अगर हम देखते हैं, एम जेड एन देखिए चूंकि सर्किल सी थ्री के लिए एम एन डायमीटर का काम कर रहा है तो एंगल एम जेड एन 90 डिग्री का एंगल है, तो हम इसका एरिया बोल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से, 1/2 बेस हो गया एम एन और हाइट हो गई जेड पी, और जेड पी जो है वो जेड डब्ल्यू का आधा होगा। इसी प्रकार से ट्रायंगल जेड एम डब्ल्यू के एरिया की बात करें तो चूंकि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो अगेन जेड एम डब्ल्यू के एरिया को बोल सकता है 1/2 बेस यानी कि जेड डब्ल्यू इंटू हाइट, दैट इज एम पी हाफ, और जेड डब्ल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारे पास बचता है हाफ इंटू एम एन। एम एन की लेंथ हम लोग निकाल चुके थे वो 12 थी, और एम पी अगर एम पी लेंथ की बात करें तो देखिए ये हमारे पास आती है 3, और 0-0 से इस लाइन की डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वापस भी देख लें तो 0-0 से इस लाइन की डिस्टेंस आती है 9/5। तो ये जो एम पी डिस्टेंस है ये है 3 + 9/5, तो ये हमारे पास होता है 6/15 + 9 = 24 × 5, दैट इज 5/4। तो ये हमारे पास में थर्ड सेक्शन का आंसर आता है, और फोर्थ सेक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अल्फा के बारे में। तो देखिए चारों सेक्शंस की हम लोगों ने कैलकुलेशंस कर ली है, अब हम लोग ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो अगर हम 20वें क्वेश्चन में देखें जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट कॉम्बिनेशन को शो करता है, देखिए फर्स्ट हमारे पास में वैल्यू निकल गया ये 2H+K की, 2H+K हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है वो 6 है, तो फर्स्ट हमारे पास में हम लिख देते हैं पहले ही कि फर्स्ट जो है वो मैच कर रहा है 6 से यानी कि P से, सेकंड जो है वो मैच कर रहा है दोनों की लेंथ का रेशियो, तो दोनों की लेंथ का रेशियो √6 है तो वो हमारे पास Q है, थर्ड सेक्शन जो है थर्ड का जो हमारा आंसर है 5:4 तो वो हमारे पास में R है, और फोर्थ जो है अल्फा की वैल्यू वो 10/3 है तो वो U है, ये हमारे पास निकल के आया है। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें सेकंड जो ऑप्शन है सेकंड और क्यू वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, तो थर्ड और आर तो सही है, फोर्थ और एस गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर भी हो जाता है सेकंड। तो 20 और 21 दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। तो ओके स्टूडेंट, इस पार्ट को भी हम लोग अब यहाँ पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को लेकर के अब अपना डिस्कशन हम करेंगे। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।